नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल की आप कहेंगे कि आज तो तारीखों का ऐलान हुआ है, चुनाव की 5 राज्यों के भीतर जो चुनाव होने वाले हैं उन तारीखों का ऐलान हुआ है, और मैं बात सेमीफाइनल की क्यों कर रहा हूं? क्रिकेट मैच तो हो नहीं रहा, अगर चुनाव भी है तो ये सेमीफाइनल कैसा? जी, ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल है 2024 का, इसलिए मैं आज जिक्र सेमीफाइनल का कर रहा हूं। 5 राज्यों के चुनावों का चुनावी शंखनाद हो चुका है, तारीखें आपको भी मालूम है, बस 10 मार्च का इंतजार बेसब्री से सबको है, जब यह स्थिति साफ हो जाएगी कि 5 राज्यों में किसका परचम लहराया। और खास तौर पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में किसका राज कायम होगा, इसको लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के इतर इस बार, क्योंकि सेमीफाइनल जिसने जीता वो फाइनल में मजबूत दिखाई देगा, लेकिन क्रिकेट की भाषा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो आज चुनाव आयोग ने नए नियम लागू किए। नए नियम, उससे पूरा का पूरा गेम बदल गया, पूरा गेम। यानी आप इस तरह से समझिए कि जब आप सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं सियासी पिच पर, सियासी पिच नॉर्मल क्रिकेट की भाषा में समझिए, जब आप मैच खेलने जा रहे हैं तब आपको पता है कि इस पिच पर बॉल किस तरफ घूमेगी, आउटस्विंग होगी, इनस्विंग होगी, बाउंसर आएगा, या एक ग्रीनी पिच है या पिच सपाट है, तब फिर आप उसी तरह से खेलते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि ठीक मैच से पहले अगर आपको यह बता दिया जाए कि इस पिच पर नहीं, आपको साथ वाली पिच पर खेलना है, इस पिच के बारे में आपको मालूम ही ना, तो फिर सोचिए क्या होगा। अच्छे अच्छे गेंदबाज, अच्छे अच्छे बल्लेबाज गच्चा खा जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने आज नियम बदल दिए। नियम, नुक्कड़ सभाएं, रैली, सब पर रोक, पाबंदी। अब एक माध्यम बचता है और वो माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जिसके मार्फत मैं आपसे जुड़ रहा हूं, जिसके मार्फत आप और हम बातचीत कर रहे हैं, और जिसके मार्फत अब हमारे साथ आज चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ेंगे। अब यहां पर सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अहम हो। अब जिसके फुटप्रिंट्स अच्छे हैं, जैसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया, इसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और न्यूज वर्ल्ड इंडिया तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। अब ऐसी स्थिति में नए नियम के ऐलान से किसे फायदा और किसे नुकसान, आज आकलन में इस बात को लेकर करूंगा, और यहां पर अपने गिरेबान में झांकने का भी वक्त है, क्योंकि अब हम लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण हो जाती है वो भूमिका जहां पर राजनीतिक दल किस तरह से चुनाव को प्रभावित करते हैं, ये इतिहास के पन्ने। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन यहां पर अब होगी। सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण बात, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कैंपेनिंग होगी, डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर पाएंगे, 5 लोग आपके साथ होंगे। 8 बजे के बाद कोई कैंपेन नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं जिक्र उस दौर का भी करूंगा जब परंपरागत अंदाज से चुनाव होते थे, वो बदलाव होने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अब नए गेम के नियम लागू होने के बाद।
मैं सीधा चलूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। आज मेरे साथ जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, प्रमुख साहब से जानेंगे कि आखिरकार नए नियम से किसे फायदा और किसे नुकसान। आशु अब्बास मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। साथ ही बहुत दिनों के बाद मैंने लक्ष्मी नारायण तिवारी जी को अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं। जी, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे मेरे मित्र भी हैं, एके मिश्रा साहब और राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विशेषक और तमाम चुनाव को बहुत करीब से देख समझ और इनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां जिसका मैं कायल हूं। पंडित जी की राजनीतिक भविष्यवाणियां भी सटीक बैठती हैं, लेकिन अब ये जो राजनीतिक पंडित है ना, इनकी भविष्यवाणियां भी गौर करने वाली होंगी क्योंकि यहाँ नियम बदल गए। पहले नियम कुछ और था, अब नियम कुछ और है। और अगर यही नियम 15 जनवरी के बाद भी लागू रहा तो उसका असर क्या होगा? वो जो भीड़ देखते थे आप चुनावी रैलियों में, और वो भीड़ दिखाकर जिस तरह से प्रमुख साहब कहते थे कि देखा मोदी जी की रैली में कितनी भीड़ आई, चावला जी देखते हो ना, ये भीड़ है, यही वोट है, यही वोट है। लेकिन अब तो भीड़ भी नहीं। तो अब ये नए नियम किसे फायदा किसे नुकसान, सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। प्रमुख साहब, नए नियम लागू हो चुके हैं लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान मुझे कुछ और इशारा कर रही है, ये चक्कर क्या है? इससे फायदा किसे नुकसान ये नए नियम, जरा बताइए प्रमुख साहब। देवेंद्र प्रमुख साहब सर, जरा उसको अनम्यूट है, अनम्यूट 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 कर लीजिए जी, आप बोलिए बोलिए सर। बधाई देना चाहूंगा तिलक जी, सबसे पहले इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र का पर्व है ये जो है चुनाव, जो है ये प्रक्रिया इतनी शानदार है कि इसमें आम जन की ताकत का पता चलता है। और ये बहुत अच्छा दिन है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। सारी जानकारियां स्टीक लेकर सारे प्रदेशों का दौरा करने के बाद एक डिसीजन तय किया, एक डेट तय की है। हम सबके लिए, प्रदेशवासियों के लिए, पांचों प्रदेशी की जनता के लिए अच्छा दिन है। सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं इस पर्व के लिए, लोकतंत्र की शक्ति के लिए, क्योंकि इससे भी अच्छा पर्व लोकतंत्र में और कोई होता नहीं। और ये जो तिलक सर, बड़ा आपने गहनता से मुझे इंगित किया है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों की जिक्र करें या कहीं भी डिबेट्स में आता है। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो नियम जैसा भी हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़े शानदार तरीके से लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, ऐसे ऐसे विद्वानों ने लोकतंत्र को लिखा है, इसको लिखा है संविधान। ये नए नियम आपके लिए फायदे का सौदा है नुकसान का? देखिए, इसमें मैं ना तो नफा की बात करूंगा ना इसमें नुकसान की बात करूंगा। हमारे लिए चैलेंज है तिलक सर, मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए आपके लिए क्या चैलेंज? नहीं, मैं ये कहूंगा कि हम लोग जो है चैलेंज के तौर पर ये लेते हैं कि हमारी जो पार्टी है, जो काम करती है। तिलक सर, एक और बात मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि पिछले 2014 से लेकर 22 तक, और उसमें यूपी का कार्यकाल जो है 2017 से और 22 तक का, उसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं बैठा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम ना करता, उसे कार्य ना किया हो। अब इसमें कौन सा नियम कैसे आना, कैसे हमें काम करना, आप 5 के कैंपियन के साथ हम जब जाएंगे जनता के बीच में तब भी भारी पड़ेंगे, और जब भीड़ के नहीं, साथ आप लोगों ने नेट प्रैक्टिस तो कर रखी है ना? नहीं, मैं इतना जानता हूं आप लोग रोज नेट प्रैक्टिस करते हैं सोशल मीडिया, करते कि नहीं करते? नहीं, देखिए सोशल मीडिया की बात, अब वही बात आएगी। अब सोशल मीडिया का आप ही ने अभी जिक्र कर दिया, सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी चर्चा होगी, क्रिकेट मैच पर होगी, कौन सा बल्लेबाज कहां फ्रंट पर आकर खेलना, कौन सी गेंद को स्वीप करना, कौन सा बाउंड्री के बाहर जाएगी, उस पर भी हमने काम कर रखा है। सोशल मीडिया पर भाषा में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेट प्रैक्टिस तो आप करते हैं तो फ्रंट फुट पर आकर ही खेलेंगे या बैक फुट पर ही रहेंगे? फ्रंट फुट पर तो आप ही रहेंगे ना? देखिए तिलक सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बताऊंगा मैं। अगर मैच में रन की ज्यादा जरूरत है, गेंद कम है, तो फ्रंट फुट पर आकर कोशिश करेंगे उस पर सिक्स लगे और जल्दी हमारे मैच में आए, और हम मैच शानदार तरीके से खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक में खेलो, फ्रंट में खेलो, आनंद के साथ खेलेंगे। वैसे हम बहुत अच्छी पोजीशन में है, हमने बड़ी मेहनत की है, चुनाव आयोग का जो नियम है हमें फॉलो करना। अच्छा, तो नियम कोई भी रहे जीतता आपको ये है ना सर?
जी नियम कोई भी रहे जीतना आपको ही है, निश्चित अपने कर्म पर अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है और जीत हासिल करेंगे। ईश्वर की आपकी सबकी कृपा हम पर बनी रही। ना 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 मेरी कृपा नहीं, ना 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 मेरी कृपा नहीं साहब, जनता की कृपा। आप चौथा स्तंभ हैं, आपकी अहम भूमिका है। हम तो आपसे भी चाहते हैं कि आपका प्यार हमें मिलता रहे। ना 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 पत्रकार, पत्रकार की कलम अगर गुलाम हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, इसलिए 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 जो है ना सर, उनको 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 उनकी कृपा ध्यान रखिए, मेरी कृपा। पत्रकार की कृपा इतनी चाहिए कि जब अपना मत गिरने जाए तो जो हमारी हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए, कलम आपकी ईमानदारी से चले। लेकिन आशु जी वो जी। कह रहे नए नियम का स्वागत है, और मैं देख रहा था कि जैसे नए नियम लागू हुए समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हो गए। क्या हुआ आशु जी, उम्मीद नहीं थी क्या आपको? जी तिलक जी कोई नाराज नहीं है, हम सम्मान करते हैं चुनाव आयोग का, जो भी उन्होंने निर्णय लिया जनता हित में होगा, और जनता सरपीर है, जो भी उनका निर्णय होगा वो हमारे जो भी प्रदेश का भविष्य है, आने वाला वक्त 2022 आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी काम किया है, आप बोलेंगे ना हकीकत की बात करिए, जो धरातल पर, धरातल पर इसका मैं उदाहरण ही दूंगा आपको। देखिए बीजेपी खुश क्यों है, वो जानती है कि सोशल मीडिया सर, देखिए मैं जानता हूँ, मेरे भी कई अपने सहयोगी हैं, 40-40 हजार आपके पास डेली वीडियो आती है, डेली आप देखते हो कितना इनका वेलकम हो रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए लेकिन वहां भीड़ नहीं तो वापिस हो गए, उसका ठीक रहा, कांग्रेस पर फोड़ रहे। तो आने वाला वक्त 2022 माननीय अखिलेश अब तक नेता पता आपके क्या कह रहे थे, सपा के नेता, वो आपकी जो रथ यात्रा नहीं कर रही है, रोज मेरे पास तस्वीरें भेज रहे थे, कह रहे थे कि देखो तिलक भाई इतनी भीड़ तो पीएम के आने की नहीं हो रही जितनी कि अखिलेश यादव की रैलियों में हो रही है, रथ यात्रा में। तिलक जी अब वो भीड़ दिखाकर कैसे कन्विंस करोगे, आप तो भीड़ भी नहीं दिखा सकते। मैसेज चला गया है पब्लिक के पास, मैसेज चला गया हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे लिए पब्लिक जागरूक है, वो चाहती है जल्द से जल्द चुनाव हो और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। कितना तैयार हो ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, बीजेपी से सोशल मीडिया से तैयार है, बीजेपी से दिल से हाथ रख के जवाब देना, दिल से जवाब, दिल से हाथ रख के जवाब दे रहा हूँ, जमीन से जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वर्चुअली बिल्कुल जीत रहे हैं। 2022 माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। जीतना सर, जीतने के नारे लगा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ जो प्रैक्टिकल बात, वर्चुअली इनसे जीत लोगे बीजेपी वालों से? जीत गए बीजेपी वालों से, हमारी पब्लिक में मैसेज चला गया है, और आप लोग भी जानते हैं बदलाव आ रहा है, 22 में बदलाव होगा, माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। अब देखिए तिवारी जी कैसे ईमानदारी से जवाब देते। तिवारी जी थैंक यू सो मच, बहुत दिनों के बाद आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तिवारी जी, तिवारी जी आप तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कांग्रेस के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, ये कौन सी मुस्कान है जो गम छिपा रहे हैं आप? तिलक जी अभी मैं प्रमुख साहब की बात सुन रहा था, अब तो हम लोगों के बीच नहीं है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था जी, चित्त भी मेरी पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का, ये मेरे लहजे नहीं है, ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लहजे हैं, चित्त भी मेरी पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का। भारतीय जनता पार्टी जो शब्दों का खेल खेल रही है इस बार उनको पता चलेगा, ये चुनाव आयोग के जो नियम आए हैं आदरणीय प्रमुख साहब बड़ी प्रफुल्लित मन से ये कह रहे हैं कि ये तो होना था, ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं आपको आपके चैनल में पूरी मजबूती से ये बात रख देना चाहता हूं, याद रखेंगे आज तारीख है 8, याद रखेंगे इनकी विदाई का संदेश, अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे चले आए और उन्होंने कह दिया कि अधिकारियों पदाधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स बोलना, मैं जान बचाकर लेकर चला आया हूं,
कुर्सियां 70,000 थी, वहां पर पहुंचे हुए बंदे 700 थे। गिन लिए थे रात, तिलक जी रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करिए, इनकी विदाई तय है। ये नियम मतलब असर नहीं डालेंगे, आप ये कह रहे हैं? न्याय कोई असर नहीं डालेंगे, जनता समझ चुकी है। रहीमन हाड़ी काठ की चढ़त न दूजो बार, अब इनकी पुनर्वापसी नहीं। और अभी तो ये झांकी है तिलक जी, अभी सारा खेल बाकी है। पांच अभी बताएंगे हमारे पंडित जी, बताएंगे मिश्रा जी, मैं भी पंडित बिठा के रखता हूँ। ठीक है तिवारी जी, आप भी पंडित है ना, मैं भी पंडित बिठा के रखता हूँ ना। ठीक है, रखिए आप। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पांच राज्यों के चुनाव परिणाम भारत की दशा और दिशा तय करेंगे। जी बिल्कुल, तभी मैंने कहा सेमीफाइनल है। हाँ सेमीफाइनल, तभी मैंने कहा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल है, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के चेहरे उतर गए हैं। ये शब्दों का खेल, राजनीति शब्दों का खेल नहीं है, ये आंकड़ों का खेल है। यहाँ सीट चाहिए, चुनाव में मतदाताओं के वोट चाहिए। तिलक जी इंतजार आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ। मैं फिर एके मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ, आपकी एक बात से मैं सहमत। वो पता है क्या सर, वो कौन गोद में खेलता है कौन नहीं खेलता, वो वाले पता क्या करते हैं सर, और उनमें से कुछ और हो सकते हैं, मेरे साथी भी हैं, नाराज भी हो जाएंगे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक बयान पर पूरा दिन डिबेट कर सकते हैं, एक बयान पर। जी समझ रहे हैं सर, प्रमुख साहब एक बयान दिया, उदाहरण के तौर पर प्रमुख साहब ने कोई विवादित बयान, तो प्रमुख साहब का वो विवादित बयान दुनिया की, देश की, हमारी सबसे बड़ी खबर हो जाएगा, वो सिर्फ 5 मिनट। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रमुख साहब समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे किसी ने कहा कि मैं जिंदा हूं, तो वो पूरा दिन, पूरा देश जो है वो मैं जिंदा हूं चूक के इर्द गिर्द घूमेगा, इर्द गिर्द वो घूम नहीं पाएगा, है ना सर। तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगी प्रमुख साहब उसको मैनेज करने में, आपको, बाकी तो आप लोग मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन एक के मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा आप तो राजनीतिक पंडित हैं, ये तो सब दावे करेंगे, जैसे आशु जी से मैंने पूछा कि नए नियम कोई असर डालेंगे नहीं, कहूंगा जीत पक्की है। आप दिल पे हाथ रख के भी कह रहे हैं कि जीत पक्की है, मैंने उनसे पूछा कि नए नियम असर डालेंगे, कह रहे नहीं जीत पक्की है, बस अखिलेश आ रहे। जैसे तिवारी जी ने कहा कि चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, हाँ, और प्रमुख साहब ने कहा कि ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है, हम तो हर जगह तैयार हैं। लेकिन अब मिश्रा जी ईमानदारी से, क्या वाकई नए नियम कोई असर नहीं डालेंगे? देखिए चावला जी, आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है, बीजेपी कांग्रेस इन सबको छोड़ी है। सबसे पहले तो मैं सारे पक्ष विपक्ष की पार्टियों को शुभकामना दूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व है, आप लोग अपना बेस्ट करिए और जीत की अग्रिम बधाई सारी पार्टियों। ये डिबेट जो आज हो रही है, इनफैक्ट ये डिबेट जो है 2 या 3 साल पहले होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था 2017 या 18 में कि 2019 का चुनाव तो मैं मोबाइल फोन से जीत लूंगा, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने उस वक्त अपने कई साथियों से बात की और मेरे कान तभी खड़े हो गए थे कि ये क्या होने वाला है इन कमिंग डेज, और वही चीज हुआ आज, इलेक्शन कमीशन ने लागू किया। फिर से बीजेपी ने अपने पाले में विपक्ष को फंसा लिया है। अब उसके एग्जाम्पल देखिए, ये नहीं, इसमें बीजेपी का क्या रोल? नहीं, सुनिए, वो ठीक है इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन गेंद जो है बीजेपी के फेवर में चली गई है, बॉल जो है बीजेपी के फेवर में चली गई है, और बीजेपी इस पे सीधे बाउंड्री के बाहर लगाएगी। मैं तथ्य देता हूँ, आप देखिए, एक से डेढ़ साल तक विपक्ष ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने मीडिया का बाइकॉट करके रखा। आज ये पता नहीं क्यों मीडिया पे आके बैठने लगे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। दूसरा एग्जाम्पल, 2-3 दिन पहले हमारे अखिलेश भैया का, जिनको व्यक्तिगत मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका बयान आया कि जी हम तो सोशल मीडिया के लिए तैयार नहीं है, शायद आज ही आया था, इलेक्शन कमीशन से वो सब्सिडी मांग रहे थे। सब्सिडी मतलब उन्होंने सरकार में, अपनी सरकार में खूब सब्सिडियां बांटी हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, तो वो सब्सिडी जीवी भी हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन से सब्सिडी मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हमारे लिए स्पेशल स्पेस जो है मीडिया में दिया जाए, सबको बांट दिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसके रिजल्ट नहीं, भीख क्या, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अरे वो गिड़गिड़ा रहे थे
गिर गए अब वो राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक दल अपनी बात नहीं रखेगा कोई इतना गिरा देखिए बात रखना दूसरी चीज होती है उन्होंने एक बात रखा था और बड़ा मजेदार तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से रखा था कि भगवान श्री कृष्ण कल रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला आपकी सरकार बन रही है आशीर्वाद दिया और दूसरे दिन वो एकदम मरे हुए हालत में जैसे दीनहीन हो के इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सब विपक्ष के लोगों के लिए टाइम स्लॉट दे दीजिए। अरे ये फायदे का सौदा किसके लिए है ये नया नियम मुझे इतना बताइए जितना मैं समझ पा रहा हूँ मिश्रा जी। अरे वन साइडेड ये देखिए किसी को हजम हो या ना हो कोई हजम करना या ना करना चाहे या ना करना चाहे वन साइडेड है। सोशल मीडिया की टीम तो बसपा में कभी रही ही नहीं है। बसपा के कई प्रवक्ता मेरे मित्र हैं बोलते हैं बहन जी इस पे विश्वास नहीं करती है तो इन लोगों को तो एबीसीडी नहीं आती है सोशल मीडिया के लिए ये तैयार नहीं है और 10 दिन के बाद वोटिंग होना है इनको तो लड़के नहीं मिलेंगे इनकी पिक्चर खींच करके डालने के लिए। तो ओवरऑल जो मैंने 3-4 प्रमाण दिए हैं आप वो देखिए कि गेंद किसके फेवर में जा रही है बॉल किसके फेवर में जा रही है। और एक चीज और बता देता हूँ याद रखिएगा ये एक ट्रायल है पायलट प्रोजेक्ट है हो सकता है 2024 का इलेक्शन 100% इलेक्ट्रॉनिक हो जाए कि अपने आधार कार्ड अपने व्हाट्सएप नंबर या अपने अकाउंट से ही जो है आप रजिस्टर करवा करके वोटिंग करिए। 2017-18 का मुझे वो वक्त आज भी याद है जब प्रधानमंत्री मिश्रा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ओके आशु जी अपनी बात रखिए फिर तिवारी जी आपके पास आ रहा मोबाइल से जीत लूंगा आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस तरीके से नहीं बोले हमने सम्मान से बोला मिश्रा जी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग न करें। मैंने ये भी बोला कि व्यक्तिगत में उनको बहुत पसंद करता हूँ। नहीं नहीं आप अपने अपनी वाणी को विराम दें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें मान्य जी हम आपकी बहुत कदर कर रहे हैं इस तरीके से उनके लिए मत बोलो आप और ना वो भीख मांग रहे पब्लिक का खुद मन है पब्लिक का और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल रहे हैं। आशु जी मुझे इतना बताइए ना पब्लिक मुझे इतना बताइए आप कह रहे हैं नए नियम से कोई 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 हमें नुकसान नहीं होने वाला कुछ तो नहीं है। मिश्रा ने कही वो गलत थी जीत रहे हैं पब्लिक जिता रही है पब्लिक हमें चाह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। थोड़ी देर पहले ये भी बोल रहे थे ना फिर वही वाली बात बोल रहे मैं कह रहा हूँ नए नियम जो लागू हुए हैं आपने खुद ही विरोध किया ना कि वर्चुअली रैली को लेकर। हमें कोई विरोध नहीं है हम तो मान रहे हैं जो भी हमारे चुनाव आयोग ने इसका उसको करा उसका समर्थन कर रहे हैं हम जो भी इन्होंने नियम लागू करे हमारे सर माथे पर है। अब तो मीडिया पे आना पड़ेगा मीडिया से सच्चाई दिखा रही है जो मीडिया दलाल ही ना जो मीडिया बिकी हुई थी मोदी जी की उस मीडिया का आज भी विरोध करते हैं हमने चैनल देखना बंद कर दिया तिलक जी सच्चाई दिखाते हैं मीडिया जो बीजेपी ने खरीद ली तिलक जी सच्चाई दिखाते हैं सच्चाई एक्सेप्ट करो इसलिए बैठे हैं ये तो बीजेपी के चैनल बिकेंगे उनका विरोध करते हैं उनका विरोध आज भी करते हैं गुरु जी भारतीय जनता पार्टी की बोली नहीं बोले इसका जवाब 2022 में मिल जाएगा आपको तुम्हारे कहने से 2022 में मित्रा जी को इस देश से निकाल दोगे क्या। अरे नातीक अहमद वाली भाषा भी नहीं भूल पाए आप लोग। प्रमुख साहब एक मिनट आशु जी एक सेकंड मिश्रा जी सबर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आशु जी एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रमुख साहब उत्तर प्रदेश में सत्ता में है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी झारखंड में सत्ता में ठीक प्रमुख साहब सामने बैठे हुए और तिवारी जी सामने बैठे हैं दोनों सत्ता में है अलग अलग राज्यों में इन दोनों में से पूछिए कि सत्ता में तिवारी जी है तिवारी जी से ठोक बजा के सवाल पूछता हूं ये पूछता झारखंड को लेकर और प्रमुख साहब बैठे हुए प्रमुख साहब से पूछिए कि उत्तर प्रदेश की खामियों को लेकर क्या इसे सवाल जवाब करता हूं कि नहीं करता कौन बिका हुआ कौन नहीं बिका हुआ जनता के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए जनता सब जानती है छोड़ दीजिए आज भी। लेकिन लक्ष्मी नारायण तिवारी जी मैं एक उदाहरण के साथ आ रहा हूं और एक मिश्रा का मेरा उदाहरण गलत हो तो उसको दुरुस्त करिएगा
तिवारी जी, क्योंकि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, आपका एक सेवा दल होता था, सेवा दल जी होता है जी, सेवा दल जी। समाजवादी पार्टी आशु जी, आपका एक छात्र सभा होती, मुलायम जी ने बड़ी उम्मीद के साथ उसको खड़ा किया, जो ग्राउंड जीरो पर जिन्होंने काम किया मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और बीएसपी के भीतर दिशा जी क्या होता था, जो जिला कोऑर्डिनेटर होता था, जिला कोऑर्डिनेटर बीएसपी कैडर, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, वो सबसे मजबूत होता था, जिनसे सीधा बहन जी संपर्क, जिला कोऑर्डिनेटर। अब ईमानदारी से दो उदाहरण दे रहा हूं मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं जो चीज मजबूत है उसका जिक्र कर रहा हूं। तिवारी जी तरफ ध्यान से सुनिएगा, आप कह रहे हैं कि नए नियम से हमें कोई लाभ कोई नुकसान नहीं होने वाला, हम चुनाव जीत रहे हैं, आशु जी भी ये कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। मैंने तीन उदाहरण दिया आपको, सेवा दल का दिया, उनको छात्र सभा का दिया, और मैंने जिला कोऑर्डिनेटर का जिक्र किया। अब आइए बीजेपी, छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पे फुटप्रिंट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आरएसएस आर एसएस, समझ रहे हैं ना सर। अब आइए जी जी पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख समझ रहे हैं ना सर, एबीवीपी भी गिना दीजिए ना, वो तिवारी जी, फिर तिवारी जी एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है कि दिक्कत तो आएगी। तिलक जी मैं आपको 30-40 वर्ष पीछे लेटलने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा निवेदन है आपसे कि 1977 में आप चलें, 80 की ओर देखें, भारत के चंद्रशेखर के दौर में मजबूत प्रधानमंत्री, सुनिए सुनिए, भारत वर्ष के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जिनका आदर से नाम लिया जाना चाहिए, स्वर्गीय श्रीमती गांधी, उनको जब देश की जनता ने नकारा, वो मेरी पार्टी की थी, उनको जब देश की जनता ने नकारा तो उठा के फेंक दिया था, याद है, याद है। ऊंचाई को उस लोकली उस पर उस पब्लिसिटी को अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छू नहीं पाए हैं। मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि दंभ तो रावण का नहीं रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दंभ में फूले हुए हैं। ओके, प्रजातंत्र की खूबसूरती पर आ रहा हूं। सुन लीजिए, एके मिश्रा जी जल्दी बात करके फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूँ। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा, प्रजातंत्र है नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी सुन लीजिए, प्रजातंत्र है तिलक जी, प्रमुख साहब को कह दीजिए इस चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए, ये होने वाला नहीं है, ये जो सोशल मीडिया और ये एबीवीपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये कुछ होने जाना को नहीं है, रही नहीं मैंने कह दिया है, रायमन हाड़ी काट की चढ़त न दू जो बार। ओके, एक मिश्रा अपनी बात रखिए फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए चावला जी, मैं मुद्दे की बात करता हूं, अगर इस फैक्टर को माइनस कर दिया जाए कि पब्लिक रैली आप नहीं कर सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे धरातल पे आप काम, सिग्नल कट गया, अगर इस फैक्टर को मान लिया जाए कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही अब आपको मुखातिब करना पड़ेगा जनता को, तो सीधे सीधे सारे लोगों से बोल लीजिए या पैरामीटर पे आप अनाउंस कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया में सबसे स्ट्रांग पार्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा किसके पास इसके बैरियर्स है, सैनिक है, योद्धा है, तो बात तो ये, देखिए मेरे लिए तो ये
का दूध और पानी का पानी है आज नहीं, भाई तो फेक न्यूज फैलाने वाले भी तो है ना। जब प्रधानमंत्री एक मिश्रा खुलकर बोलो ना, खुलकर बोलो ना, वो व्हाट्सएप की लस्सी चलाने वाले भी तो बहुत है, खुश होने का खुलकर बोलो ना एक मिश्रा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी तो बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं ना, और किस पार्टी में जा रहे हैं वो भी आप जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले है कि नहीं। ओके, अब मैं देवेंद्र प्रमुख साहब आपके पास आता हूँ। प्रमुख साहब, ए के मिश्रा जी ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, लेकिन एक बात तो है ना सर, वो फिर अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं। प्रमुख साहब, तिलक जी सब स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक बहुत अच्छी चौपाई है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। जी जी जी, आप जो है देखने का पूरा अधिकार है, गुरुजन है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ हैं, और आपकी भावना क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के रही और क्या इंदिरा जी के। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि हम डंडके की चोट पर कहते हैं कि हम सनातनी हैं। हमने जब से हमारे आरएसएस की बात करो या पार्टी की बात करो या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक जुबान पर चलने वाले हैं और अपना एक हमने एक रास्ता एक मिशन एक चीज पर चलने वाले हैं। और फर्क इतना रहेगा, मैं आपको कहूंगा तिवारी जी कि इंदिरा जी का समय बहुत अच्छा था और मुझे भी इस बात का जो है गर्व है कि वो मेरी प्रधानमंत्री रही, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन रहे। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि आज नरेंद्र मोदी जी का जो ये वाक्य हुआ है ये क्यों ताजा हुआ, समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता ने बहुत बैठ के प्रवक्ता ने आराम से कह दिया कि वहां जाके ये कह दिया। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये वो देश है, ये वो लोकतांत्रिक शक्ति है कि इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री को वही लोग खा गए जो उसके साथ थे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, खाने वाली कांग्रेस थी, डंके की चोट पर कह रहा हूं, उसकी जांच तक नहीं होने दी, सरकारें थी उनकी, अगर चाहते तो सब कुछ होता। ये गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। आज वो पंजाब या पंजाब की जमीन जो प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ उसे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे आप कुछ भी कहिए। जो जांच होगी, जो चीज हुई, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना जाकर कि मैं जिंदा आ गया क्योंकि इंदिरा को खा गए तुम और राजीव को खा गए तुम, ये नरेंद्र मोदी है, इसको नहीं खा सकते तुम, 20 करोड़ लोग इनके पीछे खड़े हैं, एक कौन खा गए इनके लिए काम करता है। प्रमुख साहब कौन खा गए, नहीं मौका देंगे, और खा गए ऐसा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। कुर्सियों की बात करते बैठकर, अरे सिद्धू कौन खा गए की बात कर रहा है, कुर्सी कौन खा गए पर बोलता रहा, चिल्लाता रहा, अरे सिद्धू शर्म आनी चाहिए, तुझे गुंडा आतंकवादी कहने वाला अरविंदर सिंह था और बोल नहीं पाई सोनिया जी एक बार भी, यार सिद्धू के लिए बोल रहे मुख्यमंत्री ये पोजीशन आपकी पार्टी की। प्रमुख साहब कौन खा गया, कौन खा गया, किसका जिक्र कर रहे हैं आप? मैंने स्पष्ट कहा है कि तिलक जी, तिलक जी क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसने आपको कह देना चाहता हूँ कि इस देश में इंदिरा गांधी या बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी लेकिन उसको कांग्रेस खा गई, कांग्रेस। तिलक जी नहीं, आप तिलक पंजाब जी का जिक्र कर रहे थे, एक सेकंड तिवारी जी एक सेकंड, आप पंजाब का जिक्र कर रहे थे, पंजाब के लिए मैं ये कहता हूँ, देखिए ये छुपा नहीं है तिलक जी, स्पष्ट बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, पंजाब की जमी पर बेअंत जैसा मुख्यमंत्री खो सकते हैं, खालिस्तान का उत्पत्ति हो सकती है और वहां मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता, और जहां का मुख्यमंत्री उसी प्रदेश के अध्यक्ष को कह रहा है कि आतंकवादियों से मिला हुआ है, तो कौन नहीं, तो आप सारे प्रधानमंत्री जी का सारे पंजाबियों को गाली देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये साथ सारे तो आप यही कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने किया था, एक शिष्ट की गलती, एक संगठन की गलती, पूरा सिख समाज सवाल को घुमाने मुद्दा हट गया, मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, तिवारी जी जवाब देना चाह रहे थे, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मेरे सवाल को आपने घुमा दिया, तिवारी जी जल्दी से जवाब दीजिए फिर मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। तिलक जी, तिलक जी, ये बहस का विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेत्री इंदिरा गांधी की छाती इनके प्रधानमंत्री जो भारतीय वो तो भारत की प्रधानमंत्री थी, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है ये कह रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग प्रमुख साहब को शोभा नहीं देता। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को चीर दिया, बांग्लादेश का निर्माण कराया,
90,000 सैनिक लेट डाउन, माथा नीचे करके खड़े हो गए। वो छाती नरेंद्र मोदी ने 86,000 ये गलत बात है, गलत बात है। इंदिरा गांधी बोले हो रहे थे, मैंने आपको मुद्दा डी रहे हैं, मैंने आपको टोकन दिए, मैंने आपको तिलक जी को रोके, तिलक जी रोके इनको, डिबेट में नहीं होना चाहिए। ये जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, ये जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। 15 मिनट इनको खड़ा रहना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को, कुर्सियां खाली थी, भाग गई है वहां 700 बंदे नहीं। ये भाग गए, इंदिरा गांधी खड़ी होती थी, ज्ञापन ले लेती थी किसानों के, 700 किसानों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? 700 किसान के मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? तिलक जी रही काट की चढ़त न दूजो बार, अब इनको अवसर मिलने वाला नहीं है। ये कुर्सी चाहिए इनको, ये कुर्सी के लिए दंगे कराते हैं, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस को देश चलाना सिखाएगी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश चलाना सिखाएंगे कांग्रेसियों को। देखिए तिलक जी, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेसी छाती खोल के खड़े थे, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग छिपे हुए थे बिल में। क्या बात करेंगे ये क्या बात करेंगे? जब जब परिस्थिति इनके विपरीत होती है ये गाय गंगा गोबर की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तिवारी जी आपकी बात को आगे ले जाओ, शांति, ये हिंदू मुसलमान चलने वाले नहीं है। तिवारी जी और ये सोशल मीडिया, तिलक जी याद रखिएगा, इंतजार करिए चुनाव के परिणाम की, जनता इनको वो सबक सिखाएगी जिससे ये भूल जाएंगे ये जुमलेबाजी करते हैं। हो गया तिवारी जी हो गया, आप सुनने वाला नहीं है तिवारी जी, हो गया, नहीं चलेगा, करेंगे, हो गया। एक सेकंड, एके मिश्रा, मेरा यही कहना, जो जग चुकी हो गया, जनता जग चुकी है, अपने घर का उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी जी को जब भारत की जनता विपरीत हुई तो जनता ने उठा के फेंक दिया था, भारत की जनता अब इनसे विपरीत में खड़ी है। अभी यह झांकी है 5 राज्य का चुनाव, इंतजार करिए 2024 का, 24 में जवाब मिल जाएगा। हो गया उत्तर की प्रतीक्षा करिए, घबराइए नहीं, तिवारी जी हो गया ना, प्लीज अब आराम से। तिलक जी आवाज आ रही है तिवारी, हेलो तिवारी जी, एक मिनट, हेलो तिवारी जी, डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट करिए जी, तिवारी जी आवाज है आपकी, हेलो तिवारी जी, है निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शांति से बोलिए, ओके ओके, 5 राज्यों का चुनाव बिल्कुल बच चुका है, अब सुनिए ना जी, तिलक जी अब पूरी रैली यही करेंगे, रैली करेंगे तिवारी जी, हमारा नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, सुनिए तिलक जी, मैंने यह विनम्रता से निवेदन किया, तिवारी जी रैली यही करेंगे, जनाक्रोश उत्पन्न होता है तो इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को धराशायी कर देती है जनता। ओके ओके, इतने दंभ में चूर हो गए, ओके पाकिस्तान, तिवारी जी हो गया ना, बस तिवारी जी प्लीज अब एक सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं एक सिर ले जाएगा पाकिस्तान तो 20 सिर रहेंगे, चीन की स्थिति क्या है? जो कभी पहले नहीं हुआ, ये चलने वाला नहीं है, ये जुमला चलने वाला नहीं है, ये जुमलाबाजी अब चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है आपकी स्थिति देश की जनता के सामने नंगी तस्वीर है, आप इंतजार कीजिए, चुनाव की घोषणा हुई है, और तिवारी जी बात है कि रैलियों पर रोक लगाएं, दोनों की ऑडियो नीचे, तिवारी जी ऑडियो नीचे हो गया,
प्रमुख साहब आपका भी ऑडियो नीचे, ये चुनावी रैली साहब रोक लगाई है चुनाव आयोग ने, चुनावी रैली यही करोगे क्या? एके मिश्रा, अब मैं तिवारी जी के पॉइंट को आगे लेकर जा, नहीं बीच में इन्होंने टोका है, तिवारी इन्होंने टोका है बीच में, ओके मैंने टोका, मेरे से गलती होगी, मैंने टोका, बस अब खत्म करिए बात। तिवारी जी रुक जाइए, मिश्रा जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो बात तिवारी जी कह रहे हैं, देखिए एक एक बयान पर आप जानते हैं पूरा का पूरा चुनाव का समीकरण बदलते हुए मैंने देखा, एक एक बयान पर, उदाहरण के साथ आपको बता सकता हूँ, एक एक बयान ऐसा रहा जिसपे चुनाव का पूरा माहौल बदल गया। क्या वाकई मुद्दे भी बदलेंगे? जिसका जिक्र बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि तिवारी जी कह रहे हैं कि गाय गोबर, राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे उठाती है बीजेपी, क्या वाकई मुद्दे भी बदलेंगे इस नए गेम प्लान से? चावला जी, मुझे लगता है आज तिवारी जी डिबेट के पहले हनुमान चालीसा पढ़ के बैठे हैं और प्रमुख जी हनुमानास्त्र क्या हनुमान बाहु का पाठ करके बैठे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं आप मेरे लिए तो दोनों पूजनीय हैं, दोनों ही पूजनीय हैं गुरु जी, दोनों लोग उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, थोड़ा इनलाइटेड वे में किया जाए। देखिए बेसिक जो मुद्दे हैं वो तो अभी नहीं, 500,000 साल से सेम रहे हैं, वो ये है रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी। आप मुझे, चलिए हम आजाद भारत की बात करते हैं, ऐसा कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसमें बेरोजगारी मुद्दा ना रहा हो, महंगाई मुद्दा ना रहा हो, नौकरी रोजगार ये सब मुद्दे ना रहे हो, बेसिक जो है वो रहे हैं और छद्म तरीके से कहीं ना कहीं रिलीजन का भी यूज किया जा रहा है। और रही बात, देखिए मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ना तो बीजेपी ना आरएसएस के कारण, मैं सनातनी या हिंदू हूँ तो बीजेपी और आरएसएस के कारण नहीं हूँ, उसके पहले भी हम, मैं और मेरा परिवार और बहुत सारे लोग हिंदू थे, सनातनी थे। अगर हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम गाय गोबर और गंगा की बात करते हैं, गंगा जल से आचमन करते हैं और हर चीज, तो पॉलिटिक्स में गाय गोबर गंगा का बात करना टैबू क्यों समझा जाता है या घृणित क्यों समझा जाता है? क्यों ना बात किया जाए भाई, आप मुझे बताइए क्यों शर्म आती है, क्यों रोकते हैं कि पॉलिटिक्स में बात ना किया जाए? आप मुझसे या अपने आप से अपने धर्म को, यहाँ की चीजों को अलग नहीं कर सकते। कल बोलेंगे आप हिमालय पर्वत की बात मत करिए, भारत खंड की बात मत करिए, सरस्वती की बात मत करिए, वेदों की, ये सारी चीजें जो मानव मानव जीवन से जुड़ी है वो चुनाव से और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। हर आदमी कोई, देखिए एक चीज बता दूं बहुत फ्रेंकली, कोई भी आदमी अपॉलिटिकल नहीं हो सकता है, गैर राजनीतिक नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ अंश में राजनीति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसका झुकाव रहता है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे जो हो। तो मुद्दे तो वही रहेंगे बेसिक, अभी भी देखिए मुद्दे जाति पात के, बेरोजगारी के, ये सब चीजें जो है 7-8 मुद्दे हैं वो रहेंगे, वो यूनिवर्सल मुद्दे हैं, अमेरिका में भी वही मुद्दे होते हैं, यहाँ पे भी वही मुद्दे हैं। नया मुद्दा किसी को मिले तो मुझे बताइए। क्या आपको लगता कि सिर्फ एक मुद्दे के आधार पर, एक बयान के आधार पर भी पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता है? साहब बिल्कुल लगता है, और आपकी मणिशंकर अय्यर का बयान ले लीजिए जो उन्होंने बोला था गुजरात का हारा हुआ इलेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, 5000 साल पहले द्रौपदी ने एक बयान दिया था राजसूय यज्ञ में, जब दुर्योधन गया था रंग महल में, तो पानी की जगह थल और थल की जगह जल वो देख रहा था, तो वहां पे क्या हुआ था कि उसने बोला था अंधे का पुत्र अंधा, एक हिस्टोरिक बयान है, ऐतिहासिक बयान, पूरी राजनीति हुई और महाभारत हो गया। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या लेंगे, रामायण से, चाणक्य जब दरबार में गया था घनानंद के, तो घनानंद ने एक बयान दिया था ब्राह्मण को लेकर के कि कुछ स्वर्ण मुद्राएं लो, भिक्षा लो और चलो निकलो यहां से। उस बयान के कारण भारतवर्ष की तकदीर बदल गई थी, चाणक्य ने क्या से क्या कर दिया। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, एक मुद्दे से वाकई में देश की तकदीर बदल जाती है, चुनाव का परिणाम तो छोड़ दीजिए। ओके आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब मैं प्रमुख साहब आराम से, तिवारी जी आराम आराम से चर्चा करेंगे, बहस नहीं। प्रमुख साहब मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, सर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो छात्र हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले उनको कितना एक्टिव कर पाएंगे आप? प्लीज स्क्रीन पर लीजिए प्रमुख साहब को प्लीज। तिलक सर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, देखिए एलिगेट जब किसी पर होता है और फिर हम आज सत्ता के हिस्सा है, जवाबदेही हमारी है, हम भागते नहीं कभी भी। आपने देखा मिश्रा जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया,
मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कितने एक्टिव होंगे? मैं थोड़ा सा तथ्य के साथ बोलता हूँ, क्योंकि अगर तथ्य नहीं दे पाऊंगा तो फिर आप जो है उसको घुमा देंगे, इसलिए पहले मैं मजबूती से लेकर चलता हूँ। तिलक सर मजबूती से लेकर चल रहा हूँ, तो मैं वो मिश्रा जी ने कह दिया कि आप जो है 5 साल तक प्रवक्ता उनको उनको मना करते रहे और आज जरूरत पड़ी तो ढूंढते फिर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता के शीर्ष नेतृत्व की बात, जिनकी अटल जी की चर्चा अब भी हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हम कभी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, वो हमारा मुद्दा है। और फिर मैं कह देना चाहता हूं कि हम जो है कभी चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं, और चिंतन करने वाले लोग जो हैं वो कभी हार नहीं सकते, वो सीख जरूर सकते हैं। तो हम व्हाट्सएप की बात करिए, आप यूनिवर्सिटी की बात करिए, ग्रुप की बात करिए, चुनाव भीड़ का हो, चुनाव प्रजातंत्र का हो, चुनाव व्हाट्सएप का हो, चुनाव मीडिया का हो। मेरे सवाल में ध्यान रखिएगा, फिर आशीर्वादी जी मेरे साथ जुड़ गए दोबारा से। सर सुन लीजिए, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए, मेरे भाव समझिए सवाल के। मैं कह रहा हूँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, उसका एक उदाहरण दूंगा मैं अभी आपको। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो अब एक्टिव हो जाएंगे सर, वो इसमें तो नहीं जीत पाएंगे ये लोग जो आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। मैं एक चीज ये कहता हूँ, मैंने देखिए बड़ी गहरी बात कही आपको, और बहुत शानदार पैनल आपके पास बैठा है और सभी बुद्धिजीवी, व्हाट्सएप का जिक्र क्यों करूंगा मैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि चिंता नहीं, चिंतन करने वाले लोग हैं। आपने शुरू में क्वेश्चन किया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कुछ पैदा होता है कि नहीं होता, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो आपके छात्र हैं वो आपके लिए कुछ कर पाते कि नहीं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो छात्र हैं वो कुछ कर पाते हैं आपके लिए कि नहीं? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हम 22 करोड़ लोगों का परिवार है, और उसमें किसकी क्या भूमिका है तिलक सर? नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले छात्र, देखिए यूनिवर्सिटी छात्र, पढ़ाई वाले छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसके लिए क्या करेंगे? वो देश का भविष्य, वो कर्णधार है, उनकी जिम्मेदारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे शिक्षा देना है, विकास देना है, यूनिवर्सिटी वाले छात्र आएंगे सीपीएस देने हैं, राजनेता देने नहीं है, राजनीति अलग चीज है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कैसे। तिवारी जी आप हाथ हटा लीजिए प्लीज, वो स्क्रीन पर आ रहा है। तिवारी जी इसका मैं उदाहरण देता हूँ कैसे। प्रमुख साहब दरअसल इसका उदाहरण ये है कि अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया मेरे मित्र का, उस मैसेज का मैं जिक्र करता हूँ। एक मिश्रा साहब, वो मैसेज क्या है तिवारी जी, वो मैसेज क्या है? एक जैसे वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना मीम, जिसका मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने कहा चुनावी आचार संहिता लागू, तमाम भर्तियों पर लगी रोक। प्लीज प्रमुख साहब को अगर हम स्क्रीन पर ला पाए, प्रमुख साहब वो मैसेज मेरे सामने आया अभी, किसी ने मीम बना के भेजा होगा कुछ, जो चलते हैं एक वहां से आता है एक वहां से आता है, मतलब एक आरोप प्रत्यारोप वाला। उन्होंने कहा चुनावी आचार संहिता लागू, तमाम भर्तियों पे लगी रोक, घोषणाओं पर रोक, लेकिन खुशखबरी बीजेपी सोशल मीडिया ने भर्ती की शुरू। बताइए सर। देखिए एक बात, देखिए ये तो देखिए तिलक सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश में, मैंने कार्यकर्ताओं की बात की, फिर कहता हूँ अगर सोशल मीडिया का सही यूज, सही उपयोग, सही लोग अगर हैं, और वो भी अपनी क्षमता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी है, पहले ही है। ये भीड़ तो सपा बसपा और कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। अगर भर्ती करनी है उन्हें करनी है, हमारे तो मिश्रा जी बैठे उन्होंने कर दिया एक मिनट में। हमारा तो कंपटीशन इतना है कि पीछे वाले को जो लाइन में लगा हुआ है कहीं आगे का नंबर आए, हमें कोई जरूरत नहीं है भर्ती करने की, यहाँ तो ऑलरेडी भर्ती है बहुत है, अच्छा विचार करने की जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण देता हूँ अगर मेरे को मिल जाएगा तो, इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा सर, उदाहरण दो और सपा को दो, क्योंकि सपा के मित्र बड़े डर गए हैं इससे। अखिलेश जी चुनाव आयोग से भी अपील कर रहे हैं और हमारे प्रवक्ता साथी भी अपील कर रहे हैं, उनकी उनकी सिरदर्दी है ये। अच्छा अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं। खैर तिवारी जी अपनी बात रखिए, फिर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ। तिवारी जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। आ गया, रुकिए रुकिए तिवारी जी, रुकिए 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 रुकिए। हेलो, आप लोग कहेंगे मैं क्या ढूंढ रहा था, ये अखबार की ये कटिंग है प्रमुख साहब, ये बुल्ली बाई ऐप सुना है ना नाम, बुल्ली बाई ऐप, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश है ये बुल्ली बाई ऐप। मैं इसलिए कह रहा हूं कहां सही उपयोग हो रहा है कहां दुरुपयोग हो रहा है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है ये बुल्ली बाई ऐप।
इससे पहले एक और एफ आई थी, इसलिए सर खैर छोड़िए, मेरे मित्र नाराज हो जाते हैं इस बात को लेकर, लेकिन उदाहरण के साथ मैंने अपनी बात रखी। अब तिवारी जी अपनी बात जल्दी से, फिर एक मिश्रा फाइनल कमेंट आपका। देखिए दो बातें, पहले तो मैं प्रमुख साहब की बातों का उत्तर दूं। प्रमुख साहब ने कहा कि ये हमारे यहाँ आपने कहा ना जो भर्तियां शुरू है तो बड़ी खिलखिला के इन्होंने हंसी बिखेरी स्क्रीन पर, इनकी हंसी आप भी खोल दीजिए भर्ती, मैं ये नहीं, आप भी खोल दीजिए, मैं सुन लीजिए, मुझको कहने दीजिए। देखिए भारत, भारत वर्ष के इतिहास में जो जो प्रधानमंत्री आज के पहले तक हुए, चर्चा उन्हीं की होगी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह वगैरह, राजीव गांधी होते हुए, अटल जी होते हुए, आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं बीते परिवार सुनिए, मिश्रा जी ने कहा, मिश्रा जी ने ये कहा, मिश्रा जी ने ये कहा कि धर्म की बात कोई करता है गलत क्या है, मेरा कहना है कि राजनीति का धर्म हो। शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख साहब, राजनीति का धर्म है, धर्म की राजनीति नहीं है। मैं जानता हूँ न्यूज वर्ल्ड इंडिया में एक के बाद एक तमाम लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग चुनावी रैली यही शुरू कर बैठे, आपके अपने अपने प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करिए, यहाँ चुनावी रैली करने के लिए थोड़ी ना मंच है, ये चुनावी रैली नहीं है, चुनावी रैली नहीं, चुनावी रैली वही जहां आपका मंच है, ये जनता का मंच है, हम बहस नहीं करते, चर्चा करते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, प्रमुख साहब और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आवाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मसला सीधे तौर पर अब नियम बदलने का है और नियम बदलने से पूरा गेम भी बदल गया, इतना तय है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।